बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर क्वर्की वीडियो। सो आज मैं करने वाली हूँ अपनी शू कलेक्शन। यहाँ मेरे साथ मेरा शू रैक है। जब मैंने शिफ्ट किया था इस घर में, उससे पहले मैंने आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाई थी एंड यू गाइज लव्ड इट। एवर सिंस मुझे रिक्वेस्ट आ रहे हैं आप अपने बैग कलेक्शन करो, अपना शू कलेक्शन करो। सो टूडे आई एम गोना शो अ लॉट ऑफ माई शूज, हील्स, सैंडल्स, फ्लैट्स, एवरी थिंग। मैंने इनको चार पांच कैटेगरीज में बांटा हुआ है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग एंड एवरी शू हैज अ स्टोरी। सो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेर ऑल जो डाउट एंड दिस इज द शू रैक राइट हियर, जिसमें मैं अपने सारे शूज रखती हूँ, माई बूट्स, माई हील्स, एवरी थिंग। इसको मैंने अपने क्वर्की स्टूडियो टूर में भी दिखाया था, बट उसके बावजूद मुझे काफी क्वेश्चन आते हैं कि मैंने इसको कहाँ से लिया। सो दिस इज फ्रॉम होम सेंटर। मैंने इसको इंडिपेंडेंस डे सेल पे लिया था, डिस्काउंट पे। ये 14,000 का था एंड मैंने इसे आई थिंक 8-9 हजार का लिया था, बट इट इज सो यूजफुल एंड ये स्लाइडिंग काइंड ऑफ डिजाइन में है। सो इट लुक्स वेरी नाइस एंड क्लासी एंड बहुत ही अच्छी वुडन वाइब देता है। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज बूट्स। यू गाइज कैन सी ऐसे स्लाइड होके मेरे बूट्स आते हैं एंड दिस इज वॉट दिस लुक्स लाइक। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ बूट वी हैव हियर इज दिस ब्यूटी। ये मेरी रीसेंट परचेज है, इसको मैंने मिंत्रा से लिया है। दिस इज फ्रॉम H&M। H&M अब मिंत्रा पे आ गया है। आई एम सो एक्साइटेड कि H&M अब मिंत्रा पे आ गया है एंड इसको मैंने सेल पे लिया था। सो मैं प्राइसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर कोई लिंक भी होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर कोशिश करूंगी सब कुछ मेंशन कर दूं। बट या आई लव देम। इनको मैंने एक बार पहना है, देयर सो 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 कंफर्टेबल। एंड मुझे वैसे ज्यादातर जनरली ऐसे शूज पसंद नहीं आते जिसमें बहुत ज्यादा तड़क भड़क सिल्वर एंड गोल्डन एक्सेंट्स हो, बट दिस इज सो लाइक बहुत ही रॉक स्टार एंड स्टेज परफॉर्मर टाइप की इसमें वाइब आती है एंड दे लुक क्लासी, दे डोंट लुक चीप। सो द क्वालिटी इज परफेक्ट। इसमें हल्की सी यू नो यू गाइस कैन सी हाइट है। मेरी हाइट छोटी है, सो मुझे थोड़े से ब्लॉक जो टाइप की हील या फिर प्लेटफॉर्म होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। सो दीज वर द फर्स्ट काइंड ऑफ बूट्स। द सेकंड वन आर माय फेवरेट चेल्सी बूट्स। ये भी मैंने H&M से लिया है। आई लव दीज वंस। इनको मैं 2 साल से चला रही हूं, तभी ये थोड़े से रगेड हो गए हैं। एनी वे चेल्सी बूट्स ऐसे हो जाते हैं बिकॉज ये थोड़ा फोल लेदर काइंड ऑफ मटीरियल होता है, जब भी आप वॉक करते हो थोड़े मुड़ जाते हैं, बट दे आर वेरी कंफर्टेबल। एंड ये जो चीज होती है ना इलास्टिक, ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपके पैरों को फ्लेक्सिबली चलने में एंड ऑल्सो दे आर वेरी गुड फॉर एवरीडे यूज। अब जब विंटर आ गए हैं तो मैंने सारे अपने बूट्स टॉप शेल्फ में शिफ्ट कर लिए हैं बिकॉज दैट इज व्हाट आई लिटरली वेयर द होल ऑफ विंटर। एंड द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर, ये आपने मेरे सरोजनी नगर हॉल में देखे होंगे। दीज आर जिमिन बूट्स। आई लव दिस वन। ये आगे से ऑक्सफोर्ड काइंड ऑफ दिखते हैं, बीच में इसके इतना सुंदर एंड प्यारा सा जिपर लगा हुआ है। अगेन इसमें ज्यादा भी सिल्वर एक्सेंट नहीं है। इसमें पैरों की शेप ना काफी लंबी लगती है एंड हर आउटफिट के साथ चल जाएंगे। यू गाइस कैन सी आई ओनली हैव लाइक मोस्टली ब्लैक बूट्स। देन द लास्ट पेयर दैट वी हैव आर दीज बूट्स राइट हेयर। ये मैंने फॉरएवर 21 से लिए थे। लुक एट देम, कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ये। ये मैंने 3-4 साल पहले लिए थे एंड मैंने इतना ज्यादा भी इसको यूज नहीं किया बिकॉज यू गाइस कैन सी इसकी जो हील है वो काफी लंबी है, लाइक इतनी भी ज्यादा नहीं। जिन लोगों को हील्स का बहुत ज्यादा शौक है वो इसको लंबी हील नहीं बोलेंगे, बट फॉर मी इट्स अ लॉट। सो मैं इसको 3-4 आवर से ज्यादा नहीं पहन सकती। आई पर्टिकुलरली बॉट इट ऑन माई बर्थडे एंड ये बहुत सुंदर मुझे कलर लग रहा था। दिस इज सो रिफ्रेशिंग एंड न्यू फ्रॉम ऑल द ब्लैक बूट्स दैट वी हैव राइट हियर। सो इसलिए मुझे काफी अच्छा लगा। प्लस इसमें जो बैंडेज टाइप की क्रिस क्रॉस वाइब है, साइड में जो जिपर दिए हुए हैं वो मुझे बहुत ही सुंदर एंड क्लासी लग रहे थे एंड ये सिल्वर एक्सेंट्स भी कम थे। सो दीज आर माय काइंड ऑफ बूट्स। एंड ऑल्सो ऐसे टाइप के अगर आप बूट्स लोगे ना जिसमें हाइट भी हो प्लस ऊपर तक ये थोड़ा आ रहा हो आपके, इससे आपके लेग्स लॉन्ग लगते हैं। सो दैट इज द परफेक्ट इल्यूजन दैट वी वॉन्ट। सो मैं इसको ऐसे साइड करके रखती हूँ बिकॉज ये यहाँ पे फिट नहीं होते हैं, थोड़े लंबे हैं। दिस वॉज ऑल माई बूट्स एंड वी हैव वन मोर बूट जो मैं इसको अपने रैक के पीछे रखती हूँ क्योंकि वो काफी लंबे हैं एंड मैंने वो शीन से लिए हैं। लेट मी शो यू गाइस। सो दिस इज द डब्बा राइट हैंड जो मैंने अपने रैक के पीछे से निकाला है। ये थोड़े नी हाई थाई हाई बूट्स जो होते हैं ना वो हैं, स्वेड में है ये। सो ये मैंने पिछले साल शीन से लिए थे। काफी लंबे काइंड ऑफ बूट्स हैं एंड ये स्वेड में है। सो मैं इसको अंदर रखती हूँ बिकॉज स्वेड के बूट्स जल्दी यू नो रेशे वगैरह पकड़ लेते हैं, उसमें धूल मिट्टी जम जाती है। इसमें अगेन आई हैव अ सिंपल क्यूट लिटिल ब्लॉक हील एंड ये भी ऐसे जिमिन बूट्स टाइप ऑफ का लंबा वर्जन है जो मैंने अभी सरोजनी नगर से लिया था। आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट। अभी मैंने सर्दियों के कपड़े नए नए निकाले हैं तो मुझे एकदम से दिखा रहा है, वाज लाइक ओ माय गॉड आई हैव दिस। ओके सो रैक नंबर 2 में है हमारे छोटी मोटी हील्स और फ्लैट्स जो सबसे ज्यादा मैं अपनी लाइफ में यूज करती हूँ। हेयर यू गो, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। सो मैंने एक के ऊपर एक करके इसको फंसा के रखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फ्लैट्स जो
ऊपर वाला माला है. सो दीज आर माई रिसेंट परचेजेस जो मैंने इस साल अपने बर्थडे पे लिए थे. ये ज़ारा बेसिक के हैं, मैंने इसको सेल में लिया था एंड दे आर लिटरली सिंपल काइंड ऑफ टैन फ्लैट्स. ये मैंने काफी यूट्यूबर्स को पहने देखा था, सो आई रियली वॉन्टेड इट क्योंकि आई हैव हर्ड के ज़ारा की चीजें अच्छी होती है एंड ये मेरी फर्स्ट परचेज थी ज़ारा से अलॉन्ग विद हील्स जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. आई हैव so much love for tan kind of flats. मुझे tan बहुत ज़्यादा पसंद है. You guys can see यार मैं पूरी tan बनी हुई हूँ, but yeah, I really like it. And मैंने इस साल बहुत ज़्यादा ये use किया है. Unfortunately ये थोड़ा monsoon में use हो गया था तो हल्का सा ख़राब हो गया, so you have to be careful with them. But yeah, ये comfort level इसका कुछ और ही है and flats होने के बावजूद कभी भी पैर में दर्द नहीं होता है. The next one we have here, I think ये मैंने बाटा से लिया था. Yes, this is from बाटा. ये थोड़े rose gold kind of thing है. जब आपके घर में रिश्तेदार आए, आपको राखी वगैरह पे जाना हो तो आपको कुछ ब्लिंगी काइंड ऑफ फुटवेयर नहीं चाहिए होता, थोड़ा बहुत जो कंफर्टेबल हो फ्लैट में. ये मैंने उस पर्पस के लिए लिया था. इसमें यहाँ पे स्नेक स्किन काइंड ऑफ रोज गोल्ड लगा हुआ है. लाइक इसमें ज्यादा भी तड़क भड़क नहीं है, बट या आपको छोटे मोटे कुर्ते एंड सूट्स के साथ पहनने के लिए जैसे टाइप की चप्पल वगैरह चाहिए होती है ना, ये वैसी है. द नेक्स्ट थिंग वी हैव, ये मैंने बहुत टाइम से मेरे पास है. आई थिंक ये स्ट्रीट स्टाइल स्टोर की है एंड इसको मैंने ज्यादा पहना नहीं है इस साल, बट आई रियली लाइक देम. ये जब मैंने अपनी स्टोरी पे दिखाई थी, यू गाइस वेंट गागा ओवर इट क्योंकि ये बहुत प्यारे यू नो स्लाइडर्स टाइप का फील देते हैं. अगेन टैन ब्राउन टोन्स मुझे काफी पसंद है. इसमें एक स्टेटमेंट बो लगी हुई है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. एंड दिस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड आर्ट बाय 80. फ्लैट है, इसमें ज्यादा हील नहीं दी हुई है, बट यहाँ पे ऐसा काम किया हुआ है वेलवेट पे, ऐसा लगता है जैसे सभ्यसाची का लहंगा हो, बिल्कुल वैसे टाइप का इस पे काम किया गया है. एंड आई रियली लाइक इट. इसमें मरून काइंड ऑफ वेलवेट के ऊपर इतना सुंदर बेबी कलर के सिपियां लगी हुई हैं, एम्बेलिशमेंट्स लगी हुई हैं एंड मुझे एम्बेलिशमेंट्स पर्सनली बहुत पसंद है. सो अगेन, अगर आपके घर में छोटे मोटे फेस्टिवल्स हो एंड आपको हील्स ना पहननी हो, उस चीज के काफी काम आ जाएंगी. देन वी हैव दीज टू जुतीज जो अगेन इंस्टाग्राम स्टोर ने मुझे भेजे हैं आउट ऑफ लव. दिस इज फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड पेडो रोज एंड उन्होंने मुझे सबसे पहले ये वाले भेजे थे एंड आई लिटरली लव देम सो फ्रिकिंग मच. ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं. जो अच्छे कंफर्टेबल फुटवेयर के अंदर थोड़ा कुशनी काइंड ऑफ मटेरियल होता है ना, ये वैसा है. एंड या मुझे ये अपने येलो व्हाइट काइंड ऑफ सूट्स के साथ बहुत अच्छे लगे थे. सो देन उन्होंने मुझे एक और गिफ्ट भेज दिया. आई थिंक मैंने कुछ यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कोई बेच, आई थिंक मैंने 100 के इंस्टाग्राम पे हिट किए थे तो तभी उन्होंने मुझे इस खुशी में या फिर मेरे बर्थडे के अराउंड ये दिए थे. एंड दीज आर इन डेनिम. सो मोस्ट ऑफ यू गाइस हु नो मी उनको पता होगा कि मेरे को डेनिम बहुत ज्यादा पसंद है एंड ये थोड़ा रगेड काइंड ऑफ फील है इसका. क्लासिक लगते हैं ये रेट्रो काइंड ऑफ जूतीज एंड मुझे ये पीछे खुले वाली ही चीजें पसंद है क्योंकि पीछे मेरे एंकल या जो एड़ी होती है ना वो छिल जाती है और उस पर शू बाइट्स हो जाते हैं, तो मुझे ऐसे टाइप का खुली खुली वाइब पसंद है. एंड ये काफी आपके जीन्स के साथ चल जाएंगे इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड ऑल ऑफ दैट. सो ये पेज मुझे इसलिए इतना ज्यादा पसंद है क्योंकि इनकी कॉस्ट काफी अच्छी होती है, 350 400 तक की इनकी जूतीज होती है एंड द क्वालिटी इज अमेजिंग. अगर क्वालिटी अमेजिंग ना हो तो फिर कुछ नहीं हो पाता. इसके बाद वी हैव कोल्हापुरी चप्पल जो मैंने पहाड़गंज से ली थी. कोल्हापुरीज आर माय वीकनेस एंड मैंने काफी ज्यादा इस साल कोल्हापुरीज फेंकी है निकाल के क्योंकि वो खराब हो गई थी, बट दीज आर फ्रॉम विशाल फुटवेयर. आई रियली रियली लव देम. ये काफी कंफर्टेबल होती है. पहली बार जब आप कोल्हापुरी चप्पल पहनोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट वंस यू वॉक इन देम दो तीन बार ही उसके बाद आपके पैर मतलब छोड़ने का मन ही नहीं करता एंड आपको हर जगह कोल्हापुरी चप्पल्स पहनने का मन करता है. एंड मुझे ऐसी डार्क कलर की तो बहुत ही अच्छी लगती है. उसके बाद वी हैव दीस प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम जेबा शूज. मेरे सबसे बड़ी परचेज जब मैं यूट्यूब पे ग्रो हो रही थी, ये मैंने 1500 रुपए के मिंत्रा से मंगाए थे. ये काफी अच्छे रहते हैं, अब तो वॉर्न आउट हो गए हैं 3-4 साल के बाद, बट यहाँ बीच में बहुत अच्छा मेटालिक काइंड ऑफ वाइब. ये उस जमाने की बात है जब मेटालिक सैंडल्स बहुत ज्यादा चल गए थे एंड तब तक ये लास्ट कर रहे हैं. एंड या ये भी मेरे बहुत अच्छे एवरीडे यूज के सैंडल्स हैं एंड आई रियली लाइक देम. अब तो मिंत्रा पे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाता है, 800-900 में भी मिल जाता है. सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन ऐसे काइंड ऑफ सैंडल्स जिनमें थोड़ी बहुत प्लेटफॉर्म हील हो, थोड़ा बहुत यू नो ब्लिंग हो, तो आप ये वाला ले सकते हो. देन वी हैव अनदर फाइंड फ्रॉम पहाड़गंज. ये वाले भी टैन क्रिस क्रॉस सैंडल्स हैं. ये भी काफी लोग जो पहाड़गंज जाते हैं ना, ये वाला सैंडल जरूर लेते हैं. आई रियली लाइक ये वाला. टिपिकल टैन कलर है जो मुझे पसंद है, थोड़ा वार्म टोन काइंड ऑफ टैन. एंड ये भी मैंने विशाल फुटवेयर से लिए हैं. बहुत अमेजिंग है ये. आई जस्ट लिटरली लव देम. मुझे ये इतने कंफर्टेबल लगते हैं. लाइक आई डोंट नो, आई हैव सम स्पेशल ऑब्सेशन विद पहाड़गंज का फुटवेयर. सो या नथिंग मोर टू से अबाउट इट, बट डेफिनेटली दिल्ली के लोग या जो दिल्ली के बाहर से आते हैं, प्लीज पहाड़गंज जाओ और ऐसे विशाल फुटवेयर एंड काफी सारी वहां पे बैग्स की भी शॉप है, तो ये वाली चीजें आप ट्राई कर सकते हो.
सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर एंड यू गाइस कैन लिटरली सी मैंने कितना इसको पहना हुआ है कि मैले हो चुके हैं. आई वॉन्ट टू वॉश दैम. सो ये बाटा से है. ये मैंने आई थिंक बाटा के सीपी वाले स्टोर से लिए थे. ये इतने ज्यादा कुशनी है तभी इनका ये हाल आपको दिख रहा है. बट ये काफी अच्छे परफोरेटेड काइंड ऑफ सैंडल्स हैं. अगर इफ यू आर ऑल अबाउट कम्फर्ट एंड तब भी आपको हल्की फुल्की हाइट भी चाहिए एंड यू रियली वॉन्ट कि आपके पैर स्टाइलिश भी लगे, ये आपके लिए है. आई जस्ट रियली लव दैम. सो ये भी मैंने बाटा से लिए था. आई थिंक ये वाले रोज गोल्ड सैंडल्स और ये दोनों मैंने साथ में बाटा से लिए थे एंड दे वेरी कंफर्टेबल. सो आपको मेरे शू वार्डरोब में यही दिखेगा कि ज्यादातर मैं कंफर्ट पे ध्यान रखती हूं एंड देन थोड़ा बहुत क्वर्की चीजें आपको इधर उधर मिल जाएंगी. सो दीज थ्री आर, पहली बार ये मैंने लिया था, आई डोंट नो, मैंने इसे किसी मॉल से लिया था एंड दिस इज फ्रॉम ट्रेसमोड. ये मैंने लिटरली हर शादी में, हर यू नो ओकेजन में, हर जो फंक्शन, जो थोड़ा सा भी फेस्टिव हो उसमें चलाया, बिकॉज दे आर सुपर डुपर फेस्टिव. सिल्वर फॉइल की तरह लगता है बट इट इज़ वेरी नाइस क्वालिटी एंड ये जो हील होती है ऐसी टाइप की बहुत बीच में चली थी तो मैंने ये ले लिया था. एंड या यू गाइज कैन सी मेरे पूरे कलेक्शन में, यू गाइज विल नोटिस कि मुझे म्यूल्स बहुत ज़्यादा पसंद है. सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक. सिल्वर गोल्डन वाइब आती है इसमें से, ट्रेस मोड के हैं ये एंड या आई जस्ट लव 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 दिस. अगेन इसको भी मैंने सेल पे लिया था. देन आई गॉट दिस फ्रॉम सरोजनी. यू गाइज हैव सीन दम टाइम एंड अगेन. मैं कोई भी आउटफिट वीडियो करती हूँ, मुझे कोई भी हील चाहिए, दिस इज माई गो टू हील. इतना कुशनी मटेरियल नहीं मिलेगा आपको बट एट द सेम टाइम आपके पैर दर्द नहीं होंगे, दैट्स फॉर श्योर. नाउ दिस इज माई रीसेंट परचेज. इसको भी आपने मेरे सरोजनी नगर हॉल में देखा होगा. दिस इज फ्रॉम स्टिलेटोज एंड ये मैंने लिया था 1200 या 1100 रुपए का. आई पोस्टेड दिस ऑन माई स्टोरी विदाउट टेलिंग यू गाइज कि मैंने कहाँ से लिया है, लाइक सरोजनी हॉल पोस्ट करने से पहले एंड यू गाइज वेंट क्रेजी के वाओ दे लुक सो नाइस सो गुड. तो आपने कहाँ से लिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दीज आर ऑल ब्लैक म्यूल शेप में एंड पीछे इतना सुंदर मेटालिक हील का यू नो वाइब दिया हुआ है. आई जस्ट रियली रियली लव इट एंड देन आगे भी ब्लैक मेटालिक काइंड ऑफ डिजाइन दिया हुआ है. सो दिस मेक्स इट वेरी क्लासी, वेरी लाइक मॉडर्न एंड शीक. सो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड पहन के आपके पैर, यू नो आई हैव वाइड फीट बट इसको पहन के मेरे पैर काफ़ी पतले एंड लंबे लगने लगते हैं. दैट इज वॉट वी हैव इस वाले सेक्शन में. देन वी हैव टू बॉ डाउन अ लिटल क्योंकि वी आर हेयर ऑन आर थर्ड सेक्शन. सो इसमें यू गाइज विल फाइंड बहुत सारी हील्स, सैंडल्स एंड कुछ वियर्ड काइंड ऑफ चीजें. सो यहाँ पे मेरी ओल्डेस्ट हील्स हैं. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर आर दीज ट्रैपी काइंड ऑफ हील्स जो मैंने फॉरएवर 21 से ली थी 4-5 साल पहले एंड यू गाइज कैन सी इनका बुरा हाल हो चुका है बट आई लिटरली लव दैम अ लॉट. यू नो आई हैव टू से मैंने इतना ज्यादा इनको 4 साल में पहना है, स्टिल ये बिल्कुल फट नहीं गई है. ये बहुत बड़ी बात है. लाइक थोड़ी सी ही वॉर्न आउट दिख रही है बट स्टिल मैं अभी इनको लेट गो नहीं कर सकती इतनी जल्दी. द नेक्स्ट थिंग वी हैव, ये मैंने सरोजनी नगर से ली थी. दीज आर फ्रॉम हश पपीज. लाइक आई थिंक ये उसका कॉपी है या यू नो ओरिजिनल है, आई डोंट नो, बट दिस इज सो फ्रिकिंग कंफर्टेबल. सो ये भी मैंने जो जिमिन बूट्स लिए थे उसी वाली शॉप से लिया था एंड यू गाइज हैव ऑलरेडी सीन देम इन माई हॉल. सो ये वाला काइंड ऑफ डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. मैं इसको पहन के मैं घंटों डांस कर सकती हूँ फॉर श्योर. सो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है एंड लिटरली जब से ये आए हैं मैंने ज्यादातर हील्स, जब भी मुझे पहनने का मन किया मैंने यही वाली पहनी है. द नेक्स्ट वी हैव स्ट्रीट स्टाइल स्टोर का अनदर ब्लॉक हील. ये भी एक जमाना निकला था कि ऐसे प्लेटफॉर्म टाइप ऑफ हील्स लड़कियां बहुत पहन रही थी. मैंने उसी टाइम पे लिया था, आई थिंक 2-2.5 साल पहले एंड ये काफी लाइक सिंपल है, काफी यू नो शीन काइंड ऑफ स्ट्रीट स्टाइल स्टोर क्लब फैक्ट्री वाइब देती है ये. आई ठीक है, मैं कभी कभी पहन लेती हूँ, उस टाइम मैंने उसको बहुत ज्यादा यूज किया था बट दीज आर द काइंड ऑफ हील्स जो मैं इस साल या फिर 1-2 साल से कम ही पहन रही हूँ. देन नेक्स्ट अप वी हैव दीज हील्स राइट हेयर जो मैंने सिर्फ और सिर्फ लुक्स के लिए ली थी एंड मैंने बहुत कम पहनती हूँ बट जस्ट लुक एट देम, ये कितना अच्छा लग रहा है. दीज आर ऑल मेश एंड पीछे ऐसी ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल हील दी हुई है. ऑब्वियसली दे आर फ्रॉम शीइन एंड मैंने इनको अपने शीइन हॉल में भी दिखाया था. दे आर क्वाइट कंफर्टेबल टू वेयर बट आफ्टर सम टाइम आपका पैर यू नो दर्द करने लग जाता है बिकॉज दिस इज क्वाइट स्टीप. सो इसलिए मैं इसको कम पहनती हूँ. जब भी पहना है अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, शू बाइट्स वगैरह नहीं हुई हैं बट या दे लुक वेरी नाइस एंड क्लासी, तभी मैंने इसको लिया था. एंड यू गाइज नो मेरे दिल में मैश के लिए कुछ अलग ही जगह है. सो मैंने मैश हील भी मंगा ली मैश टॉप्स के साथ साथ. सो ये ऊपर वाला सेक्शन था. नीचे वाले सेक्शन में भी आपको कुछ हील्स मिल जाएंगी और 2 शूज मिल जाएंगे आपको. द फर्स्ट थिंग ये मैंने अपने इसी साल बर्थडे पे ली थी ज़ारा से एंड दिस इज द कॉन ऑफ स्वेड कि आप स्वेड 1-2 बार पहन लो उसमें मिट्टी बहुत जल्दी जम जाती है. सो एज यू गाइज कैन सी थोड़े से वॉर्न आउट हो गए हैं बट आई जस्ट रियली लाइक दिस कलर. ये मैंने ज़ारा की सेल से लिया था एंड ये सी ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई थॉट के ये परफेक्ट एडिशन होगी मेरे शू वार्डरोब के लिए एंड
ये भी थोड़ी सी ब्लॉक हील काइंड ऑफ में ही है. यू वोंट फाइंड एनी पेंसिल हील बाय द वे इन माई शू कलेक्शन. द ओनली काइंड ऑफ हील दैट आई कैन वेयर इज अ ब्लॉक हील. सो सब कुछ आपको ब्लॉक हील में ही दिखेगा. ऊपर जो टैन फ्लैट दिखाया था और ये वाली हील, ये मेरी फर्स्ट परचेज थी ज़ारा से, वो भी मेरे मॉम के बहुत इंसिस्ट करने पे मैंने ली थी. एंड ये भी मेरी रीसेंट परचेज है. दीज आर टैन हील्स, ये भी ब्लॉक हील्स हैं. ये स्टेलेटोज से मैंने ली है, अनिंदिता ने ली थी एक बार सरोजनी नगर से, एंड वो मेरे बर्थडे पार्टी पे ये पहन के आई थी. एंड शी डांस्ड अ लॉट, शी डांस लाइक क्रेजी विद मी. सो उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुई, कोई शू वाइट नहीं हुई, एंड आई वाज लाइक ये कौन सी हील्स हैं जो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है. तो उसके रिकमेंडेशन पे मैंने लिया है. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वेयर इट. मैंने अभी तक कहीं बाहर इसको पहना नहीं है, बट होपफुली मैं जल्दी इसको पहन लूंगी एंड अपने साथ जहां भी ट्रैवल करूंगी लेके जाऊंगी, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ पार्टी प्लान्स दिस क्रिसमस एंड न्यू ईयर. सो ये वाली हील्स भी स्टेलेटोस की हैं. ये काफी सस्ती थी, आई थिंक 799 की थी, एंड या लिटरली दे लुक सो फ्रिकिंग क्यूट. द लास्ट वी हैव टू ऑक्सफोर्ड काइंड ऑफ शूज. ये ऑक्सफोर्ड टैन शूज है, ये भी मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर के ही ऑफिशियल स्टोर से लिए थे जो हौस खास में है. काफी कंफर्टेबल. आप लोग, आई थिंक जो मैंने एक दो साल पहले एक वीडियो की थी ना शू कलेक्शन पे, उसमें भी ये थे, एंड दे मेड इट टिल हियर इन दिस हाउस इन दिस स्टूडियो, एंड आई रियली लाइक देम. ये काफी कंफर्टेबल है, कभी भी मुझे इनसे शू बाइट्स नहीं हुई है. सो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. एंड एज यू गाइस सॉ, मैंने बोला था कि आपको टैन चीजें बहुत मिलेंगी यहाँ पे, एंड द हील इज परफेक्ट. दिस इज द काइंड ऑफ हील दैट आई लाइक. एंड ये भी मेरी बहुत पुरानी, आई थिंक ये मैंने कूव से मंगाए थे. अब मैं बिल्कुल कूव से शॉपिंग नहीं करती, आई डोंट नो व्हाई, बट या ये मेटालिक, ये भी उसी दौर उसी जमाने की बात है जब मेटालिक चीजें चल गई थी. अ लॉट ऑफ ब्लॉक हील्स, जितनी भी लंबी हील्स मैं पहन सकती हूँ वो सारी इसमें मिलेंगी आपको, और कोई इससे लंबी नहीं पहन सकती, बापरे. और ये सेक्शन मैं क्लोज करती हूँ. सो इन दिस थर्ड सेक्शन आई कम्प्लीटली फॉरगॉट एक और सबसे लंबी हील है जो मैं दिखाना ही भूल गई, क्योंकि वो मैंने अभी पहनी हुई है. लेट मी शो यू गाइस. ओके, सो ये है H&M डिवाइडेड की हील्स. एंड आई लिटरली लाइक, इतनी लंबी और बड़ी आपको ये हील दिखेगी, बट आई किड यू नॉट, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. दीज आर स्वेट काइंड ऑफ हील्स जो मैंने H&M से ली थी, एंड आई थिंक दिस वॉज माई फर्स्ट एवर परचेज फ्रॉम H&M. एंड आई वॉज लाइक, ये 4000 की मैंने ली थी, एंड ये सबसे महंगी हील है अभी तक की जो मैंने ली है, बट दे आर एब्सोल्यूटली वर्थ इट. इतना सुंदर यहाँ आगे प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इतनी बड़ी हील है, बट यहाँ नीचे जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है इसकी वजह से आपका पैर बहुत ही कम मुड़ता है, एंड बिल्कुल भी दर्द नहीं होता. सो आई रियली रियली वेयर इट. कभी कभी लंबे गाउन्स होते हैं, कभी कभी साड़ीज होती हैं जिसके साथ आपको ज़्यादा हील की जरूरत होती है, उसके साथ ऐसी हील्स परफेक्ट होती हैं. साड़ी या गाउन के नीचे कुछ दिखेगा नहीं, बट दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ हाइट, एंड दैट इज व्हाई आई लिटरली लव देम. मुझे जब भी थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो रहा होता है अपनी हाइट के बारे में, मैं जरूर ये वाली पहनती हूँ, एंड आई इंस्टेंटली फील वेरी लाइक बूस्टेड, लाइक कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ बूस्ट अप हो जाता है, मेरा पॉस्चर ठीक हो जाता है. सो मैं इसको लाइक बहुत ज्यादा पहनती हूँ. All right, so we have made it to the last section of my shoes, and literally you will have 2-3 right here. So this is the last portion that I'm gonna open. And sirf 3 hai yahan pe. These are my sport shoes, my sneakers, everything that makes me feel very very comfortable. So these two are new purchases. So main peeche se start karungi. Yeah, I think Relaxo ya Sparks wale joote hain. काफ़ी कंफर्टेबल है. जब भी मैं मैक्लोडगंज पहाड़ों में गई हूँ तो मैंने ज़्यादातर इनको ही पहना. काफ़ी फ्लेक्सिबल है. इनको पहन के मैं इतने पहाड़ चढ़ी हूँ ना, तो मुझे कभी भी पैर दर्द नहीं हुए हैं. सो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल एंड काफ़ी लाइट वेट है. रिसेंटली जो मैंने प्यूमा या पूमा से लिया, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट ये इनकी नई कलेक्शन निकली थी विच वॉज हैशटैग प्रॉपर लेडी, एंड काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स हो रहे थे, एंड आई रियली वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, सो मैंने ये ले लिया. ये काफ़ी अच्छे हाइब्रिड काइंड ऑफ शूज़ हैं, एंड दे आर लिटरली ब्रांड न्यू. 2-3 बार ही मैंने पहने हुए हैं, बट काफी 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 अच्छे हैं. हल्के से हैवी हैं, इतने भी ज्यादा लाइट वेट नहीं है, बट या इनको पहन के जो कंफर्ट मिलता है, अंदर इतनी सुंदर एंड प्रॉपर कुशनिंग दी हुई है, आई रियली लव इट. पूरा ब्लैक एंड ग्रे सॉर्ट ऑफ वाइब है. लेस्ड अप शूज हैं, यहाँ पे ब्रांडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पीछे दिया हुआ है, एंड बीच में हल्के फुल्के कलर्स के स्प्लैशेस इधर उधर आ जाते हैं. सो या दीज आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट. एंड देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट शूज दैट आई लाइक अ लॉट. These are also from Puma, and true story, मुझे ये ब्लैक में चाहिए थे. ब्लैक के पीछे रोज गोल्ड मेटालिक बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे वो मिला नहीं. पूरे दिल्ली में आउट ऑफ स्टॉक था, पूरे दिल्ली में वाले शूज आउट ऑफ स्टॉक थे, एंड जहां मैं गई मुझे नहीं मिले, बट मुझे वाइट में मिल गए. सो मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी चाहिए. सो दीज शूज आर वेरी क्यूट. ये प्रॉपर वाइट एंड क्रीमिश काइंड ऑफ इसकी वाइब है, विद पिंक, बेबी पिंक. यहाँ पे पूरा ब्रांडिंग पुमा 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 लिखा होता है, एंड पीछे कितना सुंदर लग रहा है गाइज.
लाइक लुक एट दैट. इसको पहन के जब भी मैं बाहर निकली हूँ आई हैव टर्न्ड हेड्स एंड सबने देखा है वाह 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 क्या पहना हुआ है. सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर गुड क्वालिटी शूज आई फील लाइक ये वाला आपको लेना चाहिए क्योंकि ये वाला लाइट वेट भी है कम्पेयर टू दी अदर वन दैट आई शोड यू. सो स्टाइलिश भी है, यूनिक भी है एंड कम्फर्टेबल भी है, ऐसे टाइप के शूज. बट एक थोड़े से महंगे थे सो आई वुड प्रेफर कि अगर पूमा पे सेल लगे तब आप लेना. सो दिस इज द होल ऑफ माई लास्ट सेक्शन. Oh my God guys, हो गई पूरी शू कलेक्शन. I really really hope आपको ये वाली कलेक्शन मेरी पसंद आई हो. I did a lot of effort. My mom is behind the camera helping me out. बहुत time बाद she is filming for me and I really loved shooting with her. So ये थी मेरी पूरी शू कलेक्शन, all the important stuff that I wanted to share with you guys. Please let me know कौन सा सेक्शन आपको सबसे अच्छा लगा. पिछला जो नायका गिव अवे था उसका विनर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनाउंस कर रही हूँ. प्लीज मुझे अपना पूरा नाम एंड पूरा ईमेल आईडी मेरे ईमेल पे मेल करो. सो दैट क्वर्की मिस एट द रेट gmail.com पे प्लीज सेंड मी द डिटेल. कॉन्ग्रेचुलेशन टू द विनर एंड ऑल्सो आई एम होल्डिंग अ ह्यूज अनदर 5,000 rupees गिफ्ट कार्ड गिव अवे ऑन नायका. उस पर भी आपको एक फन कॉन्टेस्ट में एंटर करना है जिसपे आपको मेरी मीम्स बनानी है. सो I am really having fun with all the memes that you guys are creating. So congratulations and I'm waiting for more memes ताकि मैं next winner announce कर सकूँ. नीचे description box check कर लेना and comment किए बिना मत जाना. आप लोगों को जूतों की कसम, आपको आपके पूरे shoe wardrobe की कसम. So please video को like कर देना, नीचे comment करना जरूर. And if you're seeing this face for the very first time, check out all the videos linked below. I know you're gonna love them. And if you do, subscribe to my channel. Hit that bell notification to get updates on every time I upload a new video. Every Tuesday, every Friday, सुबह 11 बजे. And follow me on all my socials right there, especially on Instagram because I'm super duper active there. काफी अच्छा giveaway चल रहा है वहाँ पे. And I'll see you next time. Bye.